हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको दिखाने वाले एक 2 BHK प्लान इट 800 स्क्वायर फीट। ये क्लाइंट हमारे पास आए थे जिनका 9 खंबों का घर था। ऑलरेडी इन्होंने स्लैब डाल दिया था, स्लैब का फ्रेम आप देख सकते हैं, ये बॉर्डर है स्लैब का, ऑलरेडी इन्होंने प्रोवाइड कर दिया था। उसके बाद इन्होंने कुछ चीज़ें थी जैसे कि स्टेयर, ये सारी चीज़ें हो चुकी थी, खाली इंटरनल प्लानिंग और आउटर वॉलिंग का काम बाकी था। प्लानिंग के लिए हमारे पास आए थे, तो हम चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि एग्जैक्टली हमने किन किन चीज़ों का ध्यान कैसे रखा है। तो उनके लेफ्ट साइड में यहाँ पे एक स्टेयर केस था, जैसे कि आप डायरेक्शन देख सकते हैं, फर्स्ट ये नॉर्थ फेसिंग एक साइट है, साउथ फेसिंग साइट है, नॉर्थ इसका बैक साइड में पड़ता है। तो हमने इनका स्टेयर केस यहाँ पे था और 1 मीटर की बैल्कनी थी। जब नीचे ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर आता है, ग्राउंड फ्लोर में इन्होंने 2 शॉप्स के लिए शटर डाल रखी है, और यहाँ पे जब ये ऊपर आते हैं ये बालकनी से जाते हुए, वास्तव में हमें ध्यान रखना पड़ता है कि मिडिल ऑफ द स्पैन से राइट साइड में अगर साउथ फेसिंग है तो आपका डोर होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे उनको 1 मीटर का डोर प्रोवाइड किया और एक फॉयर प्रोवाइड किया। फॉयर क्या होता है दोस्तों, जैसे कि पिक्चर्स में आप देख सकते हैं, फॉयर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जब जैसे कि आपका हॉल रूम है और डाइनिंग है, ये स्पेस में जब डोर पे कोई आता है, डोर ओपन होता है, तो आपके डाइनिंग पे कोई खा रहा है, हॉल रूम पे आपकी फैमिली बैठी है, वो प्राइवेसी भंग ना हो जाए, इसलिए फॉयर अक्सर आर्किटेक्ट्स यूज़ करते हैं। तो ये फॉयर में क्या होता है कि आपका शू रैक आ जाता है, की वॉल हो सकता है, तो ये सारी चीज़ें आप जैसे फोटोज़ में देख सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोग डाल सकते हैं इसमें। ये सारी चीज़ें जो हैं इस फॉयर को खूबसूरत बनाते हैं, जैसा कि आप यहाँ साइड में देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें एक डिज़ाइन में और इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। घड़ी हो सकता है, एक छाता रखने वाला एक छोटा सा एक बॉक्स बना सकते हैं, इवन आप यहाँ पे एक छोटा बैठने वाला शू चेंज करने के लिए एक सोफ़ा जैसा दे सकते हैं, एक सिटिंग पफ जैसा दे सकते हैं। तो ये फायर बड़ा ही मज़ेदार होता है, इसको ज़रूर आप ट्राई करें। उसके बाद जैसे फायर से आप एंट्री करते हैं, वहाँ पे एक हॉल है जो ऑलरेडी ऑलमोस्ट 4.75x3.7 का हॉल है। इसी ये छोटा सा स्पेस है, इसने हमको इतना ही बड़ा हॉल अकोमोडेट करना था। यहाँ पे एल टाइप का मैंने सोफ़ा का अरेंजमेंट दिया है, जहाँ पे एक कॉर्नर बन रहा है, जहाँ पे चार्जर, मोबाइल चार्जर, मे बी एक गमला, वास, कुछ भी हो सकता है, और 2 सोफ़े प्रोवाइड किए एल टाइप के। सीधा सोफ़ा का सामने हमने इस वॉल पर दे दिया है टीवी यूनिट। ये टीवी यूनिट के बगल में नॉर्थ ईस्ट में ईस्ट को फेस करते हुए हमने ईस्ट वॉल पर जो है एक पूजा घर छोटा सा दिया है। पूजा घर बहुत सारे छोटे होते हैं, अमेजन में भी आजकल मिल जाते हैं, आप देख सकते हैं, अमेजन का लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालने वाले हैं, तो पूजा घर के लिए आप देख सकते हैं वहाँ पे। उसके बाद मैंने यहाँ ध्यान दीजिएगा, इस हॉल के इस 2 खंबे के बीच में हमने 2 खिड़कियाँ प्रोवाइड की है। जनरली क्या होता है, खिड़की सेंटर में प्रोवाइड कर देते हैं, लेकिन हमने सेंटर में नहीं प्रोवाइड करके कॉर्नर्स में दिया है, क्योंकि सोफ़ा का जो बैक साइड है ये वॉल को पूरा खूबसूरती से एक डेकोरेट कर सकते हैं। मे बी आप वॉलपेपर, एक वॉल आर्ट दे सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं सजेस्ट करना चाहूँगा आपको। जब हम लोग इंटीरियर का और डिटेल वीडियो बनाएंगे, मैं उसमें बताऊँगा कि ये कैसे हम लोग इस चीज़ को खूबसूरत बना सकते हैं। कर्टन आ जाएगा, एक लंबा खिड़की हो जाएगा, यहाँ हमने 1.8 का खिड़की रखा है हाइट, जिसमें स्लाइड करके ये बहुत हवादार खिड़की बन जाता है। डे लाइट भी बहुत नीचे तक आती है, क्योंकि इसका सिल सिर्फ 300 का रह जाता है 1.8 का जब हम लोग देते हैं। और उसके बाद में जस्ट उसके बगल में पूजा है, पूजा के बगल में जगह है ताकि कोई भी एक इंसान खड़ा होकर यहाँ पूजा कर सके। फिर उसके बगल में हमने टीवी यूनिट दिया है, वॉल माउंटेड टीवी है, टेबल टॉप टीवी है, छोटा एक रेडेंजा दे देंगे इसके नीचे जिसमें इसका सेटअप बॉक्स आ जाए, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है ताकि आप इलेक्ट्रिकल प्लानिंग कर लें, इलेक्ट्रिकल में बॉक्सिंग कैसे करना है, केबल कैसे लटकता है, कैसे अंदर जाना, इसका एक वीडियो डिटेल में हम बाद में बनाएंगे इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड। तो दोस्तों देखिए कि यहाँ पे वॉल मैंने अगेन ब्लैंक रखा है। कॉमनली जैसे खंभों के बीच में खिड़की दे देते हैं, वो चीज़ मैंने नहीं दी है यहाँ पे, ये खिड़की को मैंने साइड कर दिया है, और सेम 1.8 का हाइट का खिड़की है, जब खुला रहेगा इस जगह से जो हवा आएगी ये सीधा हवा अंदर रूम के अंदर घुस जाएगी, और यहाँ पे भी ऐसे ही क्रॉस हवा आएगी, पूरा क्रॉस वेंटिलेशन हो जाएगा। तो ये बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। ये रूम जब खुलेगा तो रोशनी से भरा रहेगा। और यहाँ पे देखिए मैंने एक छोटा सा एक कैविटी प्रोवाइड किया, उसके बाद मैंने 1 मीटर का एक ओपनिंग दिया है। एक छोटा सा जो ये वॉल है, ये वॉल को टिका के मैंने डाइनिंग टेबल लगा दिया है, जिसमें 4 चेयर्स लगा दिए हैं। ये वॉल को बड़ी खूबसूरती से डिज़ाइन कर सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये साइड में पिक्चर्स में दिखा रहा हूँ कि वॉल को कैसे
डिज़ाइन कर सकते हैं, एक डाइनिंग वॉल के सामने में एक फ्रूट का कोई एक वॉलपेपर लगा दिया या एक छोटा पोस्टर लगा दिया, ये सब चीज़ें जो है बहुत अमेजिंग लगेगी, घर को फ्रेश फील देगी। और इवन मेरा सजेशन है, जो मेरा फेवरेट है, ग्रास वॉल, एक ग्रास वॉल भी दे सकते हैं, ग्रास वॉल के सामने में खाना खाने के लिए बड़ा नेचुरल फील देगा। और यहाँ पे भी इसके ऊपर में भी एक छोटा फैन का प्रोविजन दे सकते हैं, देना ही चाहिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गर्मी जब लगती है तो बहुत दिक्कत होती है अक्सर। अभी नॉर्थ में सब जगहों पे गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए फ़ैन का प्रोविजन बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस वॉल पे आप एसी का भी प्रोविज़न कर सकते हैं, ये बड़ा एक वॉल है जिसपे आउटडोर आपका सीधा बाहर लग जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगी ये। और उसके बाद में अगर आप यहाँ से अगर हम लोग आगे बढ़ें, उसके बाद हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं किचन है, अक्सर यहाँ लेडीज़ काम करती है। किचन से जैसे ही बाहर आएंगे, राइट साइड में हमने एक बैल्कनी दिया है जो इसके ईस्ट वॉल में है। बैल्कनी के बाद ये कॉर्नर ऑलरेडी प्रोवाइडेड था हमारे पास, तो हमने क्या कर दिया, इसको एक छोटा सा 4 इंच का वॉल से हमने इसको एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जिसमें वॉशिंग मशीन आ जाएगा। ध्यान रखिएगा कि वॉशिंग मशीन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो घरों में प्रोवाइड करना पड़ता है। अक्सर प्लानिंग में हम लोग देखते नहीं है वॉशिंग मशीन कहाँ रखना है, तो बाद में बहुत प्रॉब्लम आता है, क्योंकि वॉशिंग मशीन में दो चीज़ें आती हैं, एक आपको देना पड़ता है उसका पावर पॉइंट, दूसरा देना पड़ता है वाटर पॉइंट, तीसरा देना पड़ता है उसमें आपको ड्रेनेज पॉइंट। ये सारी चीज़ें वॉशिंग मशीन के एरिया के लिए आती हैं, तो ये हमको ध्यान देना है। वॉशिंग मशीन का प्लानिंग बहुत ज़रूरी है प्लान में। और एक बार हो जाए उसके बाद यहाँ से पूरा हैंडरेल आ जाएगा जिसमें प्रोटेक्शन हो जाए। यहाँ पे आप कपड़ा सुखाने का एक पुलर भी आता है कपड़ा सुखाने के लिए, वो यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। तो वापस हम लोग कमरे के अंदर आते हैं। यह हॉल का मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, डाइनिंग का मैंने बता दिया, अब किचन के अंदर जाते हैं। किचन में एक आर्च ओपनिंग दे सकते हैं, अगर किसी को डोर चाहिए डोर भी प्रोवाइड कर सकते हैं। मेरे क्लाइंट को आर्च ओपनिंग चाहिए था, तो आर्च ओपनिंग के बाद मैंने ईस्ट वॉल में देखिए इसका हॉब और चिमनी का प्रोविजन दिया है कि चूल्हा ईस्ट वॉल में होना चाहिए। तो एक्चुअली सिंक भी होना चाहिए लेकिन यहाँ स्पेस नहीं है, इसलिए हमने सिंक को साउथ वॉल में कर दिया है। और उसके बाद हॉब और चिमनी हो गया, सिंक हो गया, यहाँ पे देखिए हमने एक स्पेस छोड़ा है जिसमें इसका ओवन आ सकता है, और यहाँ पे एक मिक्सी जिसको बोलते हैं मिक्सर ग्राइंडर रखने का प्रोविजन है। ये सारी चीज़ें नीचे रहेंगी लेकिन पावर पॉइंट हम यहाँ प्रोवाइड करेंगे, इसके लिए प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पे देखिए मैंने एक वाटर फिल्टर के लिए प्रोविजन दिया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल हर घरों में आरओ लगता है लेकिन हम लोग उसका प्रोविजन नहीं देते हैं। ये सारी पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो की पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड, ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख के दे दूंगा, जो जरूर आप जाके पढ़ें। और अगर आपको और भी कुछ चीज़ें अगर जाननी है तो तुरंत जाएं कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे दें, तो मैं इसको तुरंत कर दूंगा। और उसके बाद में हम लोग यहाँ में फ्रिज का पॉइंट प्रोविजन कर दें। यहाँ पे एक लूज फर्नीचर रख सकते हैं, जैसे कि लूज फर्नीचर यानी कि जो रेडीमेड मार्केट में मिलता है, जो आपके अनुसार, या आपको सेटिंग बनाना है तो एक पफ बना दीजिए। यहाँ पे भी ज़रूर फ़ैन का प्रोविज़न दीजिए दोस्तों, क्योंकि फ़ैन किचन में बहुत गर्मी हो जाती है, अक्सर बहुत सारे घरों में देते नहीं हैं लेकिन किचन में बहुत ज़रूरी है कि फ़ैन का प्रोविज़न हो जाए। यहाँ पे एक छोटा पफ रख दिया या कटिंग टेबल रख दिया, इवन एक छोटा सिंगल 2 सीटर का टेबल रख दिया जिसमें 2 लोग बैठ के या नाश्ता कर लें या खाना खा लें या छोटा कटिंग वगैरह का काम कर लें। ये सारी चीज़ें पॉसिबल है कि हम लोग किचन में कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ जाते हैं। ये पूरा जोन जो है, ये जो आप मार करके मैं दिखा रहा हूँ, ये पूरा जोन जो है इनका एक प्राइवेट जोन है। यहाँ पे कॉमन लोग सब, जो भी बाहर वाले मेहमान हैं, ये सब आ सकते हैं, मेड आ सकते हैं, लेकिन ये प्राइवेट जोन हो गया। प्राइवेट जोन में मैंने क्या किया, यहाँ पे एक कॉमन टॉयलेट प्रोवाइड किया जो बाहर के लोग भी जा सकते हैं। ये डोर मैंने 70 का दिया है और यहाँ पे टॉयलेट का विड्थ हमारे पास 2.1x1.3 का है। टॉयलेट मैंने एक नॉर्थ वॉल में प्रोवाइड किया है जिससे इसका आउटलेट इजी हो जाए। एक शावर प्रोवाइड किया है, एक वॉश बेसिन प्रोवाइड किया है। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा एक बेडरूम मिला है 2.7x3.2 का। यहाँ पे मैंने बेड, जो वेस्ट वॉल में बेड प्रोवाइड किया है, वह हेड उसका वेस्ट में रहेगा। और उसके बाद में दूसरा वाला जो मैं, दोनों को मैंने वेस्ट में ही वॉल प्रोवाइड किया है। वेस्ट या साउथ बेस्ट माना जाता है वास्तु में, कि अगर या तो आपका हेड साउथ में हो या तो आपका हेड वेस्ट में हो, तो वेस्ट में यहाँ पर प्रोविजन बेटर लग रहा था इस स्ट्रक्चर के हिसाब से, तो मैंने यहाँ दे दिया है। जिसमें एक बड़ा सा वॉल मिलेगा जिसको आर्टिस्टिकली वॉलपेपर या किसी भी चीज़ से कर सकते हैं, क्योंकि ये बड़ा बेडरूम है। यहाँ पे मैंने एक स्टडी टेबल का प्रोविजन दिया है, दोनों साइड नाइट टेबल है, सामने में वार्डरोब का प्रोविजन है। डे लाइट के लिए मैंने एक खिड़की दी है बड़ी सी,
जिससे काफ़ी रोशनी आ जाएगा। अगर आप चाहें तो एक छोटा ओपनिंग यहाँ बना सकते हैं, मैंने प्रिफर नहीं किया इसको बनाना। उसके बाद दूसरा रूम में भी सेम है, एक खिड़की है, एक वार्डरोब है, एक प्रोविजन है कि स्टडी टेबल भी आप रख सकते हैं, लेकिन इस रूम में मैंने बहुत हौजी बौजी हो जाएगा करके मैंने रखा नहीं है दोस्तों। तो ये मेरा 2 BHK का एक छोटा क्लाइंट के लिए था, सिर्फ 800 स्क्वायर फीट में मैंने प्रोविजन दिया। इनके 2 बालकनी, किचन, एक हॉल कम डाइनिंग और एक कॉमन टॉयलेट और 2 बेडरूम्स। तो ये सारी चीज़ें मैंने दी हैं दोस्तों। अगर होप करता हूँ आपको अच्छा लगे, अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब दबाइए ताकि हम और भी वीडियोस आपको डालें। डुप्लेक्सेस हैं, कुछ और भी छोटे स्पेसेस में घर कैसे प्लान बनाएं, ये सब के बारे में भी हम ज़रूर वीडियो बनाने वाले हैं। अगर आपको कोई भी चीज़ चाहिए तो आप ज़रूर हमें कमेंट करें और बताएं, और ताकि हम आपको और वीडियोस बना सकें, आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि हम और वीडियोस आपके लिए ले आ सकें। थैंक यू।